मैं सत्यम गौड़ा आपका फिर से एक बार वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो इससे पहले हमने व्लॉग आपको दिखाया था सैफई का, तो एक और आज हम आपको व्लॉग दिखाने जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ अपने मौसी के घर अलीगढ़, तो चलिए रास्ते में चलते चलते बातें करेंगे, स्टेशन पहुँच के बातें करेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई हो आप लोग अच्छे हैं और घरों में मौज ले रहे होंगे। तो अभी मैंने और रितेश ने लिया है प्लेटफॉर्म टिकट, तो अब हम लोग जाने वाले हैं अलीगढ़ जंक्शन। तो मैंने इससे पहले आपको अलीगढ़ जंक्शन का, इटावा टू अलीगढ़ जंक्शन का मैंने आपको ब्लॉग दिखाया था, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी आपको, आप उससे देख सकते हैं। तो आज मेरा केवल आपको एक ही है, अच्छे अच्छे व्यू दिखाना एंड जर्नी का मतलब बताना, मतलब जर्नी मेरी कैसी थी उसके प्लेट, मतलब कि ए टू जेड चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी हमारी गोमती एक्सप्रेस, तो 20 मिनट अभी देरी है, तो चलती है, चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। तो अभी हमारे सामने से जा रही है टूंडला टू कानपुर मेमो ट्रेन, एंड ये अभी इसका टूंडला टू कानपुर मेमो एक्सप्रेस, इसी के पीछे हमारी लगी है गोमती एक्सप्रेस। रितेश भी मेरे साथ है, हैप्पी जर्नी। तो हमारी ट्रेन आने वाली है, तो हमारा कोच नंबर है B13 एंड ट्रेन आने वाली है। तो अच्छे अच्छे व्यू आपको दिखाएंगे, वीडियो केवल आपको व्यू दिखाने के लिए और जर्नी का एक्सपीरियंस करने के लिए है, ठीक है। चलिए जर्नी को शुरुआत करते हैं, रिमेंबर दिस लाइक। हमारी गोमती एक्सप्रेस आ चुकी है, इसमें WAP-7 का लोकोमोटिव दिया गया है। तो गोमती एक्सप्रेस पे हम लोग चढ़ चुके हैं एंड अभी ट्रेन का डिपार्चर देखेंगे यहाँ से इटावा जंक्शन से। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है हमारी लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस एंड देखते हैं अभी गोमती एक्सप्रेस का डिपार्चर, चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है इटावा जंक्शन से गोमती का एंड आ चुके हैं शुकवाबाद जंक्शन पर, जिसका स्टेशन कोड है SKB। तो इस ट्रेन का यहाँ पे इसका ऑलमोस्ट टाइम इसका पहुँचने का था 10:05 का, ये 10:19 पर आई है। भाई बहुत भीड़ है इस ट्रेन के अंदर, बहुत आदमी बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है अंदर, यानी क्या क्या बहुत बुरा हाल है इस ट्रेन के अंदर का, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी भीड़ है इस ट्रेन के अंदर, क्या बताऊँ। तो चलिए हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज पर फिरोजाबाद पर। ओके, तो ये हमारा शुकवाबाद जंक्शन से हमारा हो रहा है डिपार्चर गोमती एक्सप्रेस का, इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है फिरोजाबाद। बहुत भीड़ है भाई, कसम से बहुत भीड़ है इसके अंदर, विदाउट टिकट वाले तो इतने हैं तो मैं बता नहीं सकता मैं आपको। हम लोग आ चुके हैं फिरोजाबाद पर, इसका स्टेशन कोड है FKV। तो हमारे सामने से निकल ली है एक एक्सप्रेस ट्रेन, जम्मू तवी एक्सप्रेस,
बेटर क्वालिटी के लिए एयरफोन का भी यूज़ कर सकते हैं। जम्मू तवी एक्सप्रेस है ये। बहुत बुरा हाल है भाई आज कुछ का, बहुत ही बुरा। बहुत भीड़ है भाई, विदाउट टिकट वाले इतने हैं मैं बता नहीं सकता। तो ये हम लोग का फिरोजाबाद से डिपार्चर हो रहा है गुमती एक्सप्रेस का, 20 मिनट की देरी से चल रही है हमारी गुमती। लगता है शायद किसी ने चेन पुलिंग की है, काफ़ी स्पीड में थी, फिरोजाबाद से डिपार्चर हुआ था हमारी ट्रेन का, किसी ने चेन पुलिंग की है, आई डोंट नो। तो फिरोजाबाद पर हमारी ट्रेन 10 मिनट रुक जाने के बाद, किसी ने चेन पुलिंग की थी, 10 मिनट रुक जाने के बाद यहाँ से हमारा डिपार्चर हुआ है फिरोजाबाद से। भाई बहुत स्थिति ख़राब है इस कोच की, बहुत मैं बयां नहीं कर सकता, अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। जो चाह रहा है आउटर से चढ़ा जा रहा है, जो चाह रहा है बैठा जा रहा है। मेरी सीट तो घिरी हुई है, चलो वो लोग तो बुज़ुर्ग लोग हैं, मेरी सीट पर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे मैं कुछ नहीं, वो कुछ बात कोई बात नहीं है। बहुत बुरा हाल है, जो चाह रहा है चढ़ जा रहा है। विदाउट टिकट वाले भाई बहुत बहुत, अभी मैं हूँ वॉशरूम में तो पानी आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस कोच में भाई भीड़ बहुत है, विदाउट टिकट वाले इतने लोग हैं मैं आपको बता नहीं सकता। मैं खुद परेशान हो गया हूँ, अपनी सीट में बैठने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की, सोची खुद पैसे दिए और दही खुद मैंने रिक्वेस्ट की। तो ये आप इंटरनेट देखिए, कहाँ मिले साफ़ है, पानी भी पर मिनट आ रहा है। बस बहुत भीड़ है, विदाउट टिकट वाले इसमें बहुत हैं, और कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, ड्रिंक कर रहा था वो बंदा मैंने जो आपको अभी दिखाया था। चलिए कुछ देर का सफ़र हो रहा है, ये 10 मिनट रुके आने के बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो दूंगा। आप बेटर क्वालिटी के लिए एयरफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। AG9 लोकोमोटिव, जंक्शन से हम लोग का डिपार्चर होता हुआ। ये हम लोग की सामने की ओर से जाती हुई दिल्ली की लाइन, सामने वाला रूट गया हमारा आगरा की ओर। ये सामने वाले रूट हमारा जाता है आगरा टू मथुरा भरतपुर की ओर। हम लोग दिल्ली की साइड की ओर बढ़ गए हैं, दिल्ली टू दिल्ली।
आ चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है ALJN। तो इस ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम था 12:08 का, तो ये अपने राइट टाइम पर आई है। एंड अब इसका स्टॉपेज है नेक्स्ट खुर्जा, एंड इसके बाद है गाजियाबाद, फिर है न्यू दिल्ली। तो अब इस ट्रेन का हम देखेंगे डिपार्चर, उसके बाद वीडियो करेंगे दी एंड, ठीक है इस ट्रेन का। तो अब होने वाला है इस ट्रेन का डिपार्चर, तो गोमती एक्सप्रेस का हो रहा है अलीगढ़ जंक्शन से डिपार्चर। अब इस डिपार्चर को देखिए एंड फिर वीडियो करते हैं दी एंड। जंगेटर का लोकोमोटिव है ये, गोमती एक्सप्रेस का हो चुका है डिपार्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में जब बताएं, और वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। और आपसे एक ज़रूरी बात और, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मास्क और सैनिटाइजर लेके ज़रूर ट्रैवल करें, क्योंकि इस टाइम काफ़ी भीड़ चली ट्रेन में, आपने देखा इस वीडियो पर कि कितनी भीड़ थी। तो ठीक है, तो वीडियो करते यहीं पे दी एंड, और एक और न्यू ब्लॉग में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी ओपन कर सकते हैं, मतलब कि फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, पहले तो सासनी गेट साइड, फिर वहाँ से जाना है हमको मंगलातन, वहाँ से हम लोग को फिर जाना है देदा माई, जहाँ पे मेरी मौसी के घर है। तो ठीक है, मैं अब नेक्स्ट जो वही मेरा ब्लॉग आएगा वो आएगा गांव के ऊपर, गांव की आप मैं आपको बढ़िया सी शेयर कराने वाला हूँ, एंड जल्दी वो वीडियो आएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें। ओके, टेक केयर।